मुझे क्या लगता है ना कि हरामी जो शब्द है इससे विशेष प्रेम है शिव सैनिकों का। अगर आप उनसे प्रश्न भी करेंगे तो भी डंडा त्रिशूल निकाल करके आपके पीछे पड़ेगा। क्या ये शिव सैनिकों का धर्म है? क्या ये छत्रपति शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी है? क्या ये बाला साहब ठाकरे जी ने आपको सिखाया है? आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भूल गए और आप एंटोनियो माइनो की लैंग्वेज बोलने लगे, उनकी भाषा बोलने लग गए। मतलब मैडम मैडम माइनो कुलदेवती कुलदेवी हो गई और सब कुछ हो गई है। आज अगर वो बोलेंगी तो उठेंगे और वो बोलेंगी तो बैठेंगे, प्रताड़ित करते जाएंगे लोगों को। रिपब्लिक की आप देखिए ना क्या हालत कर दी है, हजार लोगों पर FIR। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और उद्धव ठाकरे फिर से सामने आए हैं अपने कंट्रोवर्शियल बयान के वजह से, क्योंकि अभी उन्होंने कंगना रनौत को नमक हराम बोल दिया। हम देखते हुए आए हैं कि संजय राउत ने हराम खोर बोल दिया था और वहीं अब उद्धव ठाकरे इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बावजूद उन्होंने नमक हराम बोल दिया कंगना रनौत को। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले मैम है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, ऐसा नहीं है उद्धव ठाकरे बहुत छोटे नेता हों, वो एक स्टेट के CM है और फिर भी ऐसी टुच बात कर देना, क्या आपको लगता है उनको शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आपको बड़ी मुश्किल से तो वो गद्दी मिली जो गद्दी आपको कायदे से मिलनी भी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं इनको झोल झपाटे और तीन तिकड़ी की सरकार बोलती हूँ। आप उस गद्दी पर जाकर के बैठ गए और उसके बाद आप अपना कौन सा रूप दिखा रहे हो जनता को? आप कानून विरोधी, संविधान विरोधी, जनता विरोधी रूप दिखा रहे हो आप। नहीं, वहाँ पर आज महाराष्ट्र के अंदर ये प्रतीत होता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता का दमन कर रही है। अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न किया जाता है, आपके साथ डिसएग्रीमेंट में कोई रहता है, राइट टू डिसेंट मांगता है, तो उसके पीछे हाथ धोकर के राशन पानी लेकर के वहां की सरकार पड़ जाती है। देखिए, कंगना की बात जो प्रश्न आपने शुरू किया कि जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कल उद्धव ठाकरे जी ने विजयदशमी के पर्व पर अपने लोगों को संबोधित करते हुए किया, क्या वो शोभनीय है? क्या वो अच्छी चीज है? क्या वो दुखदाई नहीं है कि विजयदशमी का पर्व हमारे लिए इतना महत्व का पर्व है? जब हम कहते हैं कि सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर विजय वाला हम त्यौहार है, हमारा पर्व है, वहां पर आप ऐसी अधर्मी, ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एक महिला के खिलाफ। मुझे क्या लगता है ना कि हरामी जो शब्द है इससे विशेष प्रेम है शिव सैनिकों का। पहले संजय राउत जी ने शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद बोला कि मैं तो समझता था कि शब्द का मतलब नॉटी है। मतलब कौन सी डिक्शनरी है भाई, मुझे दिखा दीजिए आप, जिसमें हराम खोर का मतलब नॉटी होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, जो भी लैंग्वेज में कहां पर है। और उसके बाद आपने कल कंगना रनौत को नमक हराम बोल दिया। काहे की नमक हरामी उन्होंने करी? क्या शिवसेना उनको पाल रही थी? क्या शिवसेना से वो तनख्वाह ले रही थी कि आपने उनसे नमक हरामी की बात कर दी? कंगना रनौत अपना काम करने के लिए मुंबई के अंदर आई। मुंबई कंगना रनौत की कर्म भूमि है, महाराष्ट्र कंगना रनौत की कर्म भूमि है, जिस प्रकार से बाकी तमाम लोगों की है। सबसे बड़ी बात, मुंबई किसी की बपौती नहीं है, मुंबई को किसी ने खरीदा नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है और हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, वैसे ही मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है हम सब लोगों की। वहां पर किसी भी कोने का व्यक्ति हिंदुस्तान का पाया जाता है, अपना पैसा कमाने, अपना बिजनेस करने, अपना काम करने के लिए जाते हैं। बॉलीवुड मुंबई के अंदर है तो लाजमी सी बात है लोग मुंबई में जाएंगे ना, जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में इंटरेस्टेड है। तो कौन सी नमक हरामी करी उन्होंने, कौन सी नमक हरामी वाली बात है? और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कंगना के खिलाफ, क्योंकि कंगना रनौत ने आपके साथ, आपकी विचारधारा के साथ अग्री करने से मना कर दिया। भाई, वो एक इंडिविजुअल है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिशियन के साथ अग्री भी कर सकती है और डिसअग्री भी कर सकती है। इसका मतलब यह है कि आप उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, उनको गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप, और विजयदशमी जैसे पर्व पर जहां पर आपको सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए, आपको अच्छी बातें करनी चाहिए, आपको लोगों के बारे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि लोगों को सबके साथ अच्छा हो, उनकी दीर्घायु हो, आप एक महिला के बारे में, एक लड़की के बारे में, हिंदुस्तान की बेटी के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं, देता है कि आपको संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्यमंत्री साहब के बारे में अगर कोई एक शब्द बोल दे रहा है आज संचित, तो यह हालत हो जा रही है कि उनको पकड़ के पीट दिया जा रहा है, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है। कुछ आप बोल के दिखा दे, एक शब्द आप बोल के दिखा दीजिए, एक शब्द आप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल दीजिए। खिलाफ खिलाफ भी मतलब गंदी शब्दावली का भी अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप उनसे प्रश्न भी करेंगे तो भी डंडा त्रिशूल निकाल करके आपके पीछे पड़ेगा। क्या यह शिव सैनिकों का धर्म है? क्या यह छत्रपति शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी है? क्या ये बाला साहब ठाकरे जी ने आपको सिखाया है? क्या आज आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि किस प्रकार से आप शिव सैनिक होने हो करके महादेव जी का जो शिव आपने अपने आगे लगाया है उसका अपमान कर रहे हो? बहुत ही दुखदायक है ये, मैं शर्मनाक भी नहीं बोलूंगी, बहुत दुखदायक है ये। ये वो लोग हैं जो इस बात को लेकर के
साम दाम दंड भेद से अपनी सरकार बनाना चाहते थे कि हमको जनता की सेवा करनी है, और ये आप सेवा कर रहे हो। कंगना हिंदुस्तान की शेरनी है और मैं कंगना को बहुत मानती हूँ, उनका बहुत सम्मान करती हूँ। एक तो वो सेल्फ मेड वुमन है, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं बॉलीवुड के अंदर, और वो इकलौती एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसने सामने आ करके बताया कि किस तरीके की गंदगी उनके साथ हुई है, किस तरीके से लोगों ने उनका इस्तेमाल करने का कोशिश किया, किस दलदल में उनको फंसाया गया और किस प्रकार से वो इस दलदल से बाहर निकल के आई। बहुत बड़ी बात है, बहुत करेज, बहुत हिम्मत चाहिए खासतौर पे एक महिला को जनता के सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के अपनी आपबीती सुनाने के लिए और ये बताने के लिए कि देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, बॉलीवुड बहुत में बहुत गंदे लोग रहते हैं, आओ यहाँ पर अपना करियर बनाओ लेकिन अपने आप को बचा के रखो। वो लड़की जो सबके लिए रोल मॉडल है, वो लड़की जो हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती है, उसके पीछे आप सिर्फ इसलिए पड़ गए क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मैं नारकोटिक्स में जो लोग लिप्त हैं, जो इलीगल एक्टिविटी है, जो गलत एक्टिविटी है, उसमें जो लोग लिप्त हैं मेरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से, मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ। तो इनको इनकी पूछ में आग लग गई, इनको इतनी तकलीफ हो गई, इतना घबरा गई, ये क्यों भैया क्यों, सांझ को आज किस बात की है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको बचाने की आप इतनी पुरजोर कोशिश कर रहे हो कि कंगना अगर नाम बताने आ रही थी आपने उसके घर में बुलडोजर चला दिया। जब कंगना ने 74 वर्ष के पिता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को न्याय दिलाने की बात करी और उन्होंने वहां पर जो कैंपिज्म, ग्रुपिज्म एंड खास तौर पर नेपोटिज्म चल रहा है, उस नेपोटिज्म की वजह से भी सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान हुआ, बहुत मेंटली उनको हैरेस किया गया, उनको बिल्कुल बॉयकॉट उनका कर दिया गया, उनको अलग थलग कर दिया गया। और ये वहां पर होता आया है, वहां पर ये लोग क्या करते हैं, जो भी बाहर का बच्चा आता है छोटे शहर मध्यम वर्ग से, उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, उनको गणेश परिक्रमा करनी पड़ती है, चरण वंदना करनी पड़ती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको बांध दिया जाता है और वो उनके बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं अपने करियर के लिए। क्या किसी भी बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर के बच्चे के साथ ऐसा होता है? उनको तो प्लेटर पे फिल्म्स मिलती है ना। तो कंगना उस बारे में अगर बात कर रही है जो गलत परिपाटी चली आ रही है, उसको अगर वो खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वहां की सरकार और उद्धव जी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्यों आप नहीं चाहते कि साफ और स्वच्छ बॉलीवुड हो? क्यों आप ये नहीं चाहते कि समान अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिले हिंदुस्तान के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बॉलीवुड के अंदर का हो, बाहर का हो? अगर तुम्हारे अंदर प्रतिभा है तो तुम ग्रो करोगे। एग्जैक्टली ये सारी चीजों पर लड़ने पर आप उनके घर पर बुलडोजर चलाते हो, आप उनको हरामखोर बोलते हो, आप उनको नमक हराम बुलाते हो, इन चीजों पर जो मतलब देश के हित में, लोगों के हित में है। तो आज भी जो उन्होंने बात बोली है उसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि वो देंगी, वो डरेंगी नहीं। आपने उन पर FIR करा दी है, उन पर उनकी बहन पर FIR करा दी, देशद्रोह का कानून लगा करके। क्या देशद्रोही है, ये तो देशभक्ति की बात है। इलीगल काम है नारकोटिक्स का काम। आपने मतलब NDPS एक्ट इन लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं मालूम। NDPS एक्ट पढ़िए साहब और देखिए कि ये जो ड्रग्स का सेवन करना है, ड्रग की पोजीशन करना है, ड्रग में किसी भी प्रकार से लिप्त होना NDPS एक्ट के तहत गलत है, इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है। और जो इलीगल काम है वो एंटी नेशनल भी है। एंटी नेशनल कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हम टैक्स पेयर इनकी पिक्चर देखते हैं, हमारा पैसा इनके पास जाता है, ये उससे ड्रग्स खरीदते हैं, ड्रग पेडलर बनते हैं, ड्रग माफिया बनते हैं, वो पैसा चला जाता है आतंकवादियों के पास और वो पैसा पाकिस्तान और आतंकवादियों के माध्यम से उसके बाद हमारे देश में आतंकी हमले और हमारे सरहदों पर बैठे हुए हमारे फौजियों को गोली मारने के काम आता है। तो क्या ये एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है? तो अगर कंगना एंटी नेशनल और इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ खड़ी हो रही है तो आप उस पर देशद्रोह का की FIR कर देंगे, देशद्रोह की धारा लगा देंगे? मतलब ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हो भाई, ये कौन सी उल्टी गंगा आप ये बहा रहे हो, ये बता दो ना हिंदुस्तान की जनता को, क्योंकि मेरी समझ के ये बाहर है। सचिन, मैं एक पढ़ी लिखी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूं कि आपने क्या सोचकर उन दोनों बहनों पर ये FIR लगाई? क्या आप ये कहने की कोशिश करते हो कि जो जो सच बोल रहा है उनको देखकर क्या आप डर जाते हो? क्योंकि सत्ता से ऊपर और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऊपर आपके लिए जनता, जनता की संवेदनाएं, जनता, जनता का अच्छा कानून, विधान, संविधान कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से सत्ता में बैठे रहना है क्योंकि सत्ता आज आपके लिए सर्वोपरि हो गई है। सत्ता से ऊपर तो इनकी आइडियोलॉजी भी इनके लिए नहीं रही। खत्ता में कौन सी आइडियोलॉजी, शिव सैनिकों की कौन सी आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी? सावरकर जी को मानने वाली, उनका सम्मान करने वाली पार्टी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना क्यों करी? क्या कहते थे बाला साहब ठाकरे जी कि मैं कांग्रेस को कभी भी कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकता। मतलब शासन और सत्ता तो बहुत दूर की बात है मुझे, बल्कि यह भय है कि ऐसा ना हो कि कल को शिवसेना कांग्रेस के जैसी हो जाए। आपने उसको ताक पे रख दिया, आज आप अपनी आइडियोलॉजी को भूल गए। आज आपको यह तक याद नहीं है कि आपके आदरणीय सम्माननीय पिताजी, जो हम सबके लिए बहुत सम्माननीय हैं, वो क्या चाहते थे। आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी भूल गए और आप एंटोनियो माइनो की लैंग्वेज बोलने लगे, उनकी भाषा बोलने लग गए। मैडम माइनो की
मतलब मैडम मैडम माइनो कुलदेवती हो, कुल देवी हो गई और सब कुछ हो गई हैं। आज अगर वो बोलेंगी तो उठेंगे और वो बोलेंगी तो बैठेंगे, प्रताड़ित करते जाएंगे लोगों को। रिपब्लिक की आप देखिए ना क्या हालत कर दी है, 1000 लोगों पर FIR। स्वतंत्र भारत में कभी किसी ने सुना है, कभी हुआ है? और एक्ट लगाया है 1922 का, अंग्रेजों के जमाने का एक्ट, अंग्रेज जो लगाया करते थे हम लोगों के ऊपर जब हम उनके अधीन थे उस वक्त, सेक्शन 500। मतलब सोचो आप ये क्या क्या दिन देख रहे हैं हम, क्या मतलब वहाँ पर। इसीलिए तो मैं इनको निरंकुश शासन बोलती हूँ, मुगलकों के वंशज बोलती हूँ मैं इनको, फासिस्ट गवर्नमेंट से भी ऊपर ये लोग चले गए हैं। शर्म की बात है, दुख की बात है, महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, हिंदुस्तान की जनता भी देख रही है। आप लोगों की पॉलिटिकल पर्सनल क्रेडिबिलिटी एकदम खत्म हो गई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी ममता काले मैम हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।